सो हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडक्शन फिजिक्स बाय इमरान खान। तो इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs ऑफ न्यूमेरिकल विद सॉल्यूशन फ्रॉम चैप्टर नंबर 9 करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम क्वेश्चन देखने वाले हैं दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2022 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। When two cells of EMF E1 and E2 are connected in series so as to assist each other, their balancing length on the potentiometer is found to be 3.2 meter। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि दो सेल्स हैं और दो सेल्स का जो यहाँ पर EMF गिवन है, तो एक का EMF E1 है और दूसरे का EMF E2 है, और सबसे पहले तो दोनों एक दूसरे को असिस्ट कर रहे हैं। तो जब E1 E2 एक दूसरे को असिस्ट करते हैं तो हम उसे क्या करते हैं, E1 प्लस E2 लिखते हैं, और इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है उसे हम मान लेते हैं L1, और इसकी जो वैल्यू यहाँ पर गिवन है दैट इज इक्वल टू 3.2 मीटर। तो देखो, अगर आपको याद होगा आपने पोटेंशियोमीटर के यूजेस यानी एप्लीकेशन पढ़े थे, जहाँ पर एक एप्लीकेशन था टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल। तो बेसिकली ये वही सम एंड डिफरेंस मेथड वाला क्वेश्चन है जहाँ पर हमें पहले दिया है कि जब दो सेल असिस्ट कर रहे थे एक दूसरे को तो उनका जो बैलेंसिंग लेंथ था दैट इज़ 3.2 मीटर। और आगे क्या बोला है, व्हेन द टू सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज सो एज टू अपोज ईच अदर, और हमें पता है जब दोनों एक दूसरे को अपोज करते हैं तो हम इसे E1 माइनस E2 लिखते हैं, और इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है दैट इज इक्वल टू 0.7 मीटर दिया है। ठीक है, यानी जब दोनों सेल एक दूसरे को असिस्ट कर रहे थे तो उसका बैलेंसिंग लेंथ है 3.2 मीटर, और जब दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं तो इसका बैलेंसिंग लेंथ है 0.7 मीटर। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कंपेयर द EMF ऑफ टू सेल्स। EMF ऑफ टू सेल्स मतलब कि हमें E1 बाई E2 को कंपेयर करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। EMF ऑफ टू सेल का कंपैरिजन का फॉर्मूला होता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 प्लस L2 अपॉन L1 माइनस L2। ठीक है, तो बस ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर लगा देना है। देयरफॉर E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू L1 की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो कितना दिया है, 3.2 दिया है, और वहीं L2 की वैल्यू कितनी है 0.7, अपॉन यहाँ पर करूँगा तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी 3.2 माइनस 0.7। तो अब इसे हमें क्या करना है, सिंपली प्लस एंड माइनस करना है। तो E1 बाई E2 विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 3.9 अपॉन, और 3.2 में से 0.7 को माइनस करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देयरफॉर लिखना है E1 बाई E2 इज इक्वल टू, देखो अगर ऊपर नीचे से मैं पॉइंट हटाऊं तो इसे मैं 39 अपॉन क्या लिख सकता हूँ, 25 लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, 39 अपॉन 25। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपली इसे डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप लिख लो 39, यहाँ पर आपका आ जाएगा 25, वन जा क्या हो जाएगा 25, बैलेंस क्या आएगा 4, 1, 14, अब पॉइंट लगाओगे तो 0 आ जाएगा। 25 5 ज़ा कितना होता है 125, तो 125 बैलेंस कितना आ जाएगा 15, 0 यूज़ कर लेते हैं। 25 6 ज़ा कितना होता है 150। तो देयरफॉर E1 बाई E2 का जो हमें आंसर मिला E1 बाई E2 इट इज़ इक्वल टू 1.56। ठीक है, क्या मिला 1.56 मिला। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर यहाँ पर लिखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2022 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। टू सेल्स ऑफ EMF 4 वोल्ट एंड 2 वोल्ट हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंसेज 1 ओहम एंड 2 ओहम आर कनेक्टेड इन पैरेलल सो टू सेंड करंट इन द सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो देखो, ये पर्टिकुलर टाइप का जो क्वेश्चन है ये हमारे एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में जो दो न्यूमेरिकल्स हैं इस चैप्टर के वहाँ पर गिवन है, और मैंने दोनों न्यूमेरिकल्स को एक्सप्लेन किया है जहाँ पर हमारे एक्सरसाइज न्यूमेरिकल सॉल्यूशन का मैंने वीडियो प्रोवाइड किया है। तो आप ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन आया था जहाँ पर वैल्यू मिलती है 5/17, यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू मिलती है 10/17। तो आप डायरेक्टली वहाँ से भी अगर आपने सॉल्व किया होगा तो आप ये आसानी से कर लोगे, और अगर नहीं भी आता है तो इसके साथ मैं वो वीडियो को अटैच कर देता हूँ, तो आप ये वीडियो देख लेना। खाली इसमें वैल्यूज़ चेंज हो रही होंगी, बाकी और कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो इसे बड़े आसानी से आप कर लोगे। टू सेल्स ऑफ EMF 1.5 वोल्ट एंड 2 वोल्ट, तो यानी यहाँ पर हमें बोला है कि दो सेल्स हैं, एक सेल का जो EMF है उसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 1.5 वोल्ट, वहीं जो हमारा दूसरा सेल है उसका जो EMF है इट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, हैविंग रेस्पेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंसेज ऑफ 1 ओहम एंड 2 ओहम। तो इनका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है R1 की वैल्यू वो कितनी है 1 ओहम, और जो R2 की वैल्यू है वो कितनी गिवन है 2 ओहम। ठीक है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये जो दोनों ईएमएफ हैं इनको हमने कैसे कनेक्ट किया है, पैरेलली कनेक्ट किया है। सो एज टू सेंड करंट इन सेम डायरेक्शन थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम। और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू गिवन है वो कितना दिया है यहाँ पर देखो 5 ओहम। ठीक है, आगे क्या बोला है, फाइंड करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो करंट थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब क्या निकालना है, आई निकालना है। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप कंडीशन के हिसाब से देखोगे क्वेश्चन में जो गिवन डेटा है हमारे पास उसमें हमें ये समझ में आता है कि इट इज़ सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 10। सिर्फ यहाँ पर वैल्यूज़ बदल गई हैं, बाकी जो गिवन डेटा है और जो हमें फाइंड आउट करना है वो ऑलमोस्ट क्या है, सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस यहाँ पर हमें किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करना होगा तो हमें बेसिकली एक सर्किट डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम सर्किट डायग्राम बना लेते हैं। देखो सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला है कि यहाँ पर सबसे पहले ईएमएफ है E1। तो ये ईएमएफ का पॉजिटिव टर्मिनल, ये ईएमएफ का नेगेटिव टर्मिनल और उसके साथ कनेक्टेड है इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा ईएमएफ है, उसका ये पॉजिटिव टर्मिनल, इसका ये नेगेटिव टर्मिनल और उसके साथ इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है R2। और क्वेश्चन में बोला है ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं, दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो पैरेलली कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद बोला है कि ये जो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसको हमने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट किया है और ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है ये यहाँ पर हम क्या डिफाइन करेंगे, कैपिटल R से डिनोट करेंगे। और इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू गिवन है इस बार वो कितना दिया है 5 ओहम। अगर आपको याद है तो इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था वहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 2 ओहम दिया था। ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है, ये इंटरनल रेजिस्टेंस R2, इसका EMF E1 और इसका EMF E2। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन की। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पर EMF E1 है, यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो करंट कहाँ से कहाँ फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो यहाँ से जो करंट निकलेगा EMF E1 से वो करंट I1 निकलेगा और यहाँ से जो करंट निकलेगा E2 से वो क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा। सो देयरफॉर ये वाला जो पॉइंट हमें मिला, ये पॉइंट कौन सा है, जंक्शन पॉइंट है, राइट। अब जंक्शन पॉइंट में क्या होता है, जितना करंट आएगा उतना ही जाएगा। तो इस वाले ब्रांच से जो करंट फ्लो होगा इस करंट को हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। ठीक है, और याद रखना है इस ब्रांच से जो करंट आई फ्लो होगा वो किसके इक्वल होगा, आई विल बी इक्वल टू I1 प्लस I2 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से यहाँ से भी करंट क्या होगा, आई। और फिर आप देखो यहाँ पर हमें क्या मिला, जंक्शन पॉइंट। जंक्शन पॉइंट में वापस से देखो कितना करंट आ रहा था, आई करंट आ रहा था। तो अब यहाँ पर क्या लौट जाएगा, करंट I2 इधर लौट जाएगा और करंट I1 इधर लौट जाएगा। इस तरीके से हमने करंट का डिस्ट्रीब्यूशन देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट्स को नेमिंग कर देंगे और उसके बाद फिर किरचॉफ सेकंड लॉ अप्लाई करेंगे। तो नेमिंग वापस हम दे देते हैं, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, लेट दिस पॉइंट बी C, इसको नाम देते हैं D, ये पॉइंट F है और ये पॉइंट क्या है, G है। नेमिंग आप अपने हिसाब से दे सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें लूप सेलेक्ट करने हैं और जब आप लूप सेलेक्ट करोगे तो आपको बस एक चीज़ याद रखना है कि ये वाला जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो लूप के लिए क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने क्वेश्चन नंबर 10 में आपको बताया था कि यहाँ पर जो हमें लूप सेलेक्ट करना है वो ऐसे सेलेक्ट करना है जिसके लिए ये R वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वाला पाथ क्या हो, कॉमन हो। तो यहाँ पर टोटल 2 लूप जो हम सेलेक्ट करने वाले हैं वो कौन कौन से है, देखो सबसे पहले जो लूप हम सेलेक्ट करेंगे वो होगा GCD और ये हो जाएगा FG। वहीं दूसरा लूप जो हम सेलेक्ट करेंगे दैट विल बी AB और ये हो जाएगा DFA। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर देखो इतने लूप कलेक्ट हो गए। अब इसके बाद नेक्स्ट आगे देखो क्या करेंगे, सबसे पहले अब हम इसमें किरचॉफ का लॉ अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। तो देखो सबसे पहले हम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ अप्लाई करेंगे जहाँ पर हमें ये पता चलता है टोटल करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, I1 प्लस I2। यही तो किरचॉफ्स लॉ हमें कहता है जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ्स सेकंड लॉ एंड अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकंड लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ्स सेकेंड लॉ इन लूप। पहला लूप देखो हम क्या ले लेते हैं, GCDFG। ठीक है, अब इस लूप में हमें क्या करना है, किरचॉफ का सेकेंड लॉ अप्लाई करना है। तो चलो अप्लाई करते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप ध्यान से देखो हमें कहाँ से कहाँ जाना है। देखो सबसे पहले हमें G से C की तरफ जाना है। तो जब हम G से C की तरफ जाएंगे तो पहले हमें बैटरी का क्या मिलेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन पर हमें EMF की पॉजिटिव टर्मिनल मिलती है तो उसकी वैल्यू को हमें नेगेटिव लेना होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले इसे लिखेंगे -E2। ठीक है, उसके बाद अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, देखो वही जी से सी की तरफ जा रहे हैं, लेकिन अब करंट का अगर आप डायरेक्शन देखोगे तो हमारे डायरेक्शन से अपोजिट है, और ऐसे केस में हमें पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या लेना होता है, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा I2 R2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद C से D में तो कुछ भी नहीं है। जब आप D से F की तरफ आओगे तो आप देखो करंट का डायरेक्शन इधर की तरफ है, लेकिन हम उसके अपोजिट में जा रहे हैं, तो वापस से पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव, और इसे लिखेंगे IR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, देयरफॉर लिखना है -E2 प्लस, यहाँ पर देखो R2 की जो वैल्यू हमें यहाँ पर गिवन है वो 2 ओम है, तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ I2 × 2, और ये हो जाएगा प्लस I की वैल्यू किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है। जबकि यहाँ पर जो R की वैल्यू हमें गिवन है कैपिटल R, उसकी वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, इसकी वैल्यू यहाँ पर 5 गिवन है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, 0। अब सबसे सिंपली हमें क्या करना है, इनकी वैल्यूज़ को पुटअप करना है। तो आप देखोगे तो E2 की जो वैल्यू है वो 2 वोल्ट है, तो यहाँ पर मैं E2 की वैल्यू लिख लेता हूँ 2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 2I2 हो जाएगा। उसके बाद देखो 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 5I1 और प्लस क्या हो जाएगा 5I2 इज इक्वल टू 0। अब हम 2 को उधर भेज देंगे। जब हम 2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं अगर हमें करंट I1 I2 निकालना है तो 2 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब सिमिलर तरीके से जैसे हमने किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप अप्लाई किया है जी सी डी एफ जी, इसी तरीके से हमें दूसरे लूप में भी अप्लाई करना है। देयरफॉर अब हम लिखते हैं अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ इन लूप, दूसरा लूप क्या है, देखो डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पर आप दूसरा लूप देखो A B D F A है, तो सबसे पहले हम कहाँ से कहाँ जाएंगे, A से B की तरफ जाएंगे। तो देखो पहले हमें क्या मिल रहा है, जब हम A से B की तरफ जाएंगे, अब देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, A से B की तरफ जाएंगे। तो जब A से B की तरफ जाएंगे तो पहले बैटरी का हमें पॉजिटिव टर्मिनल मिल रहा है, तो इसकी EMF को नेगेटिव लेना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा -E1, तो यहाँ पर हो जाएगा -E1। उसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है, देखो जब हम इस डायरेक्शन में जाएंगे A से B की तरफ में, तो करंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू क्या लेंगे, पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा आपका I1 R1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस I1 R1। उसके बाद देखो यहाँ पर B से D में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जब D से हम F की तरफ आएंगे तो करंट का डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए इसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पॉजिटिव, तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस I × R, ये हो जाएगा प्लस I × R इज इक्वल टू क्या होगा, 0, क्योंकि उसके बाद F से लेकर A तक में कोई रेजिस्टेंस EMF कनेक्टेड नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेना है बाय राइटिंग -E1 प्लस क्या हो जाएगा, ये I1 R1 हो जाएगा प्लस, और I की वैल्यू तो आपको पता है किसके इक्वल है, I1 प्लस I2 के इक्वल है, × R विल बी इक्वल टू 0। अब हम क्या करते हैं, इन सब की वैल्यूज़ को पुटअप कर लेते हैं। तो जो EMF E1 की वैल्यू मुझे गिवन है क्वेश्चन में, वो कितना दिया है, देखो EMF E1 इज इक्वल टू 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा -1.5 प्लस, उसके बाद जो R1 की वैल्यू गिवन है वो कितनी है, 1 ओम है, तो ये हो जाएगा I1 × 1 प्लस, यहाँ पर हम I1 को I1 रखेंगे प्लस I2 रखते हैं, और R की जो वैल्यू है कैपिटल R, उसकी वैल्यू क्या है 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। नेक्स्ट सिस्टम में हम क्या करेंगे, -1.5 को उधर भेज देंगे, और I1 × 1 करूँगा तो ये हो जाएगा I, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5I1 हो जाएगा प्लस, उसके बाद क्या हो जाएगा, देखो 5 × I2 करूँगा तो क्या हो जाएगा 5I2 हो जाएगा, राइट, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1.5, इधर आके प्लस हो जाएगा। अब ये टोटल हमें वैल्यू क्या मिली, 6I1 प्लस 5I2, 6I1 प्लस 5I2 इज इक्वल टू क्या मिला, 1.5, ये हमें क्या मिल गया, इक्वेशन नंबर 2 मिल गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करके आगे अपने फॉर्मूले को सॉल्व कर लेंगे। अब देखो हमें यहाँ पर दोनों इक्वेशन मिल गए, अब हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें जो चाहिए I1 I2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों इक्वेशन को रखते हैं। तो हमारा सबसे पहला इक्वेशन देखो वो क्या है, देयरफॉर, इसमें यहाँ पर लिख लेता हूँ 5I1 प्लस 7I2 इज इक्वल टू, और क्या दिया देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 दिया, तो यहाँ पर 2 लिख लेंगे। जबकि यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो कितना दिया है, ये दिया है 6I1, ठीक है, प्लस 5I2 इज इक्वल टू 1.5, ये हमारे पास गिवन है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, जो ऊपर वाला नंबर है इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 6 से, और नीचे वाले नंबर को 5 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। अगर मैं ऐसा करूँ तो देखो मेरा नया इक्वेशन क्या बन जाएगा, देयरफॉर 5×6 = 30I1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 6×7 = 42I2 हो जाएगा, और 6×2 = 12 हो जाएगा, राइट। जबकि नीचे वाला नंबर क्या हो जाएगा, 5×6 = 30I1 हो जाएगा ये, ओके, उसके बाद यहाँ पर 5 5 से कितना हो जाएगा 25 I2 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे 5 5 से 25 कर लेंगे और 5 1 5 2 7 यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे 7.5 लिख लेंगे। अब हमें सिंपली इसे क्या करना है इसको माइनस कर लेना है, माइनस 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 लगा दें। अब देखो यहाँ पर I1 से I1 वाला टर्म को कैंसिल कर देंगे और 42 माइनस 25 करूँगा तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 17 I2 हो जाएगा। और यहाँ पर जब मैं 12 में से 7.5 को माइनस करूँगा तो मुझे लगता है इसका आंसर कितना आएगा 4.5 आ जाएगा, राइट, बिकॉज 7.5 और प्लस 2.5 करेंगे तो 10, तो 2.5 प्लस 2 यानी कि 4.5, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ I2 की वैल्यू क्या मिल गई, I2 की जो वैल्यू मिली वो मुझे मिली 4.5/12 मिल गई, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये जो हमारी I2 की वैल्यू है इस I2 की वैल्यू को हम इस इक्वेशन में पुट अप कर देते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या इक्वेशन है 6I1, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 6I1 प्लस और उसके बाद यहाँ पर क्या वैल्यू है 5I2, तो 5 into और I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4.5/17 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे 1.5। अब सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना होगा इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई, तो 6I1 प्लस यहाँ पर देखो 5 5 से कितना हो जाएगा 25 बैलेंस 2, 5 4 से 20 और 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। तो 22.5 क्या हो जाएगा 17 इज इक्वल टू लिखेंगे 1.5। नेक्स्ट स्टेप में हम इसे क्या लिखेंगे 6I1, ठीक है, और ये जब उधर जाएगा तो बेसिकली ये क्या हो जाएगा 1.5 और ये माइनस हो जाएगा 22.5/17। अब हमें यहाँ पर करना है इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो देखो इसे मैं लिखता हूँ 1.5 into 17 माइनस 22.5, ठीक है। अब इसके बाद अपॉन में जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी 17 आ जाएगी क्योंकि मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसे कर लिया है। अब हम क्या करते हैं 15 से 17 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 7 जा 105, तो इसे 5 लिखेंगे, बैलेंस 10, 15 1 जा क्या होता है 15 प्लस 10 25, तो ये हो जाएगा 25.5 और माइनस क्या है 22.5 है, राइट, क्या है माइनस 22.5 और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 17 आ जाएगा, ठीक है। तो अपॉन में 17 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो 25.5 माइनस 22.5 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा 3 मिलेगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ इसे। देयरफॉर देखो अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा 6I1 इज इक्वल टू 25.5 माइनस 22.5 करूँगा तो आंसर कितना मिलेगा, ये हो जाएगा 3/17 हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर अब फर्दर अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो इसे क्या लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/17 into 6, क्या हो जाएगा 3/17 into 6, यानी कि अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मैं लिख सकता हूँ I1 इज इक्वल टू और ये हो जाएगा अगर कट करें तो ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा 1/2 into 17 है, क्या बचा फिर ये 1/2 into क्या लिख सकता हूँ 1/17, इसे मैंने सेपरेट कर लिया। देखो क्या होगा यहाँ पर आप लिखोगे 1/17 into 2 लिखोगे, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर लिया। ऐसा मैंने क्यों किया ध्यान से सुनो, क्योंकि I1 इज इक्वल टू 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.5 और अपॉन क्या हो गया ये 17, तो ये मुझे किसकी वैल्यू मिल गई I1 की वैल्यू। तो देखो मुझे I2 की वैल्यू कितनी मिली थी 4.5 मिली थी और I1 की वैल्यू क्या मिल गई 0.5/17, क्योंकि दोनों का डिनोमिनेटर यहाँ पर सेम रहेगा तो हम आसानी से इसे क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे। तो I का फॉर्मूला क्या है I1 प्लस I2। अब देखो I की वैल्यू हमें क्या मिली I की वैल्यू है 0.5/17 I1 की वैल्यू, और जो I2 की वैल्यू है वो कितनी है 4.5/17। अब यहाँ पर सिंस डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर न्यूमिनेटर की वैल्यू ऐड हो जाएंगी, तो 0.5 प्लस 4.5 करूँगा तो क्या हो जाएगा 5 और नीचे क्या हो जाएगा 17, ये हमें टोटल करंट I मिल गया विच इज़ इक्वल टू 5/17। तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 10 देखा था सिमिलर टाइप का क्वेश्चन नंबर 11 है, बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू क्वेश्चन नंबर 10। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2021 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। द EMF ऑफ अ सेल इज बैलेंस्ड बाय द लेंथ ऑफ 320 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें बैलेंसिंग लेंथ दिया है और इसकी वैल्यू गिवन है 320 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 320 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोला है, व्हेन अ सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम, तो हमें यहाँ पर शंटेड रेजिस्टेंस R की वैल्यू गिवन है विच इज़ इक्वल टू 50 ओहम। और केस याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर की बात हो रही है। तो व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम द बैलेंसिंग लेंथ इज रिड्यूस बाय 20 सेंटीमीटर, यानी कि जो इनिशियल हमें लेंथ दिया था ये मान लेते हैं L1 है और फिर इसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर से रिड्यूस हो गया, तो इसका मतलब है फिर बैलेंसिंग लेंथ कितना हुआ 320 -20 विच इज इक्वल टू 300 सेंटीमीटर। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो काफ़ी सिंपल सा यहाँ पर क्वेश्चन हमें गिवन है। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला है, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन L2। ठीक है, बस ये फॉर्मूला हमें यहाँ पर रख के इसे सॉल्व कर लेना है। सो देयरफॉर स्मॉल r इज इक्वल टू, r की वैल्यू कितनी गिवन है 50 ओम, L1 की जो वैल्यू है वो है 320, L2 की वैल्यू है 300 और अपॉन में यहाँ पर L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 300। ठीक है, तो 320 में से 300 को माइनस कर दूंगा तो देखो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 50 इंटू, और ये बेसिकली यहाँ पर बचेगा 20 अपॉन क्या हो जाएगा 300। तो एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, एक ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, राइट। अच्छा 5 2 ज़ा कितना होता है 10 होता है, तो ये हो जाएगा 10/3 और हमें पता है अगर 10 से 3 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर 3.33 एंड सो ऑन होगा, यानी कि बार बार रिपीट होगा, तो हम 3.33 आंसर लिख लेते हैं। दिस इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल व्हेन द सेल इज शंटेड बाय अ रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए पूछा गया था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2020 में पूछा गया था, 2020 में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। टू रेजिस्टेंसेज एक्स एंड वाई इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज गिव्स अ नल पॉइंट डिवाइडिंग द वायर इन द रेशियो ऑफ 2/3। तो बेसिकली जैसे कि हम जानते हैं कि मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट में 2 गैप होते हैं, एक होता है लेफ्ट गैप, एक होता है राइट गैप। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों गैप का हमें रेजिस्टेंस दिया है। तो लेफ्ट गैप का जो यहाँ पर रेजिस्टेंस है वो मान लेते हैं x है, और y गैप का जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, तो मान लेते हैं कि लेफ्ट गैप का जो रेजिस्टेंस है वो x है और राइट गैप का जो रेजिस्टेंस है वो y है। तो x अपॉन वाई का यहाँ पर हमें रेशियो गिवन है विच इज़ इक्वल टू 2/3। क्या दिया है 2/3। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ़ ईच रेजिस्टेंस इज इंक्रीज बाय 30 ओहम। तो अगर हम हर एक के रेजिस्टेंस को 30 ओहम से इंक्रीज कर देते हैं तो इसका ये मतलब हो जाएगा कि अगर मैं मान लूँ x डैश अपॉन वाई डैश जो नया रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू हम किससे इंक्रीज़ कर देंगे, वी विल इंक्रीज बाय द कितना यहाँ पर दिया है 30 ओहम, यानी कि मैं बोल सकता हूँ x + 30 और नीचे क्या हो जाएगा y + 30। तो वापस एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें दिया था कि टू रेजिस्टेंसेज एक्स एंड वाई इन द टू गैप्स ऑफ अ मीटर ब्रिज आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। ठीक है, उसके बाद बोला है कि अगर हम हर एक रेजिस्टेंस की वैल्यू को 30 ओहम से बढ़ा देंगे तो जो उसका नल पॉइंट हमें मिल रहा है वो किसके रेशियो में मिल रहा है 5:6 के रेशियो मिल रहा है। नल पॉइंट कितना मिल रहा है 5:6 के रेशियो मिल रहा है, मतलब अब ये बढ़ाने के बाद इसका नल पॉइंट क्या हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक है, तो x अपॉन वाई की वैल्यू 2/3 थी और आप ऐसा अज्यूम कर सकते हो कि x डैश अपॉन वाई डैश की वैल्यू क्या है 5/6 है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, x एंड y की वैल्यू को निकालना है। तो बहुत सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, ध्यान से सुनो, ये जो इक्वेशन हमें यहाँ पर दिया है ये इक्वेशन को हम लिख लेंगे, इसी इक्वेशन के बेसिस पर हम x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो जिस तरह से मैं आपको करा रहा हूँ ये ठीक आप उसी तरीके से ध्यान देना, इसे बड़े आसानी से हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू आपको दिख रही है ना एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 2/3, तो अगर मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूँ तो मैं बोल सकता हूँ कि 3x विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा 2y। और अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा इक्वेशन इसको हम नीचे लिख लेंगे। तो क्या है ये x + 30 अपॉन y + 30 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखो नेक्स्ट स्टेप में हम जानते हैं कि यहाँ पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी। देखो x की वैल्यू तो मैं निकाल सकता हूँ ना, देयरफॉर अगर मैं आपसे x पूछूँ तो आप क्या बोलोगे 2y/3 होगी, x की वैल्यू क्या होगी 2y/3। तो यहाँ पर हम इसे सिंपली क्या करेंगे, इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूँ। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 6x + 30, क्या हो जाएगा 6x + 30 और ये हो जाएगा 5y+ क्या हो जाएगा 30। तो पहले हम इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर लास्ट में हम x की वैल्यू को रख देंगे। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 6x + 180 है ना इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5y + 150 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, मैं इसको लिख लेता हूँ 6x - 5y इज इक्वल टू 182 को अगर मैं इधर भेजूंगा तो क्या बचेगा, ये बचेगा -30 बचेगा, क्या बचेगा -30। अब मैं नेक्स्ट सिस्टम में क्या करूँगा, 6x की वैल्यू ऑलरेडी मैंने निकाली है, कितनी x की वैल्यू 2y/3, तो यहाँ पर क्या रख देंगे 2y/3 रख देंगे, माइनस क्या है 5y इज इक्वल टू -30, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में आपको पता है कि 3 2 जा, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4y - 5y इज इक्वल टू -30, तो 4y - 5y करूँगा तो आंसर मुझे 1y मिलेगा, मतलब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -30, माइनस माइनस कैंसल, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 30 ओहम मिल जाएगी, ठीक है। तो मुझे y की वैल्यू मिल गई यहाँ पर, यानी कि मुझे बेसिकली राइट हैंड साइड का जो गैप था उसका रेजिस्टेंस मिल गया है, जो नया रेजिस्टेंस है वो क्या है 30। अब सिंस मुझे y की वैल्यू मिल गई है तो बहुत आसानी से मैं x निकाल लूँगा, ठीक है। x देखो यहाँ पर क्या था हमारा इक्वेशन, हमारा इक्वेशन था x इज इक्वल टू 2y/3, तो अब देखो x की वैल्यू हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि हमें y की वैल्यू पता है, तो 2 इंटू y की वैल्यू क्या है 30 डिवाइडेड बाई 3 कर दूंगा, तो 3 10 जा, और अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 ओहम, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2019 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। फाइंड द टोटल करंट आई फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग सर्किट, तो बेसिकली यहाँ पर हमें सर्किट गिवन है और इस सर्किट के रेस्पेक्ट में हमें बताना है कि टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो डायग्राम तो ऑलरेडी यहाँ पर गिवन है, मैं यहाँ पर वैल्यूज़ को लिख लेता हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पर 2 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 वैल्यू लिख लेता हूँ जिसकी वैल्यू क्या है 8 ओहम, और R2 की जो वैल्यू है वो भी कितनी है 8 ओहम, और ये कैसे कनेक्टेड है दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा कि इन दोनों के पैरेलल रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी 1/RP का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है 1/R1 प्लस 1/ क्या होता है R2, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा 1/8 प्लस 1/8 करूँगा तो आंसर क्या आ जाएगा 2/8 यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे जो आरपी की वैल्यू मिलेगी वो क्या मिल जाएगी 4 ओहम मिल गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर जो रेजिस्टेंस आरपी मिला वो कितना मिला 4 ओहम। उसके बाद क्वेश्चन में यहाँ पर जो मुझे ईएमएफ की वैल्यू गिवन है वो कितना दिया है 5 वोल्ट दिया है, तो 5 वोल्ट लिख लेता हूँ, और जो इंटरनल रेजिस्टेंस मुझे गिवन है वो कितना दिया है 1 ओहम दिया है। तो मुझे ये पता करना था कि इस सर्किट से टोटल कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो मुझे करंट आई निकालना है। अब फॉर्मूला एकदम सिंपल है, हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, देखो आपने पढ़ा है V इज इक्वल टू क्या होता है IR होता है, तो उसी तरीके से E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा IR, हमने वोल्टेज को EMF से रिप्लेस कर दिया, बस आप यहाँ पर ये वैल्यू रख दो। अच्छा यहाँ पर R का मतलब क्या है टोटल रेजिस्टेंस, तो पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I इंटू R, तो जो R है बेसिकली इसे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू RP प्लस r, ठीक है। देखो सर्किट में जो जितना भी रेजिस्टेंस लगा है सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर लेना है, तो एक तो हमारा रेजिस्टेंस पैरेलल की वैल्यू मिल गई 4 ओहम, और इंटरनल रेजिस्टेंस लगा है 1 ओहम, तो 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, तो देयरफॉर E इज इक्वल टू आई, और यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या है 4 प्लस 1, तो टोटल यहाँ पर EMF की वैल्यू कितना गिवन था 5 इज इक्वल टू, और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5i, तो देयरफॉर I की वैल्यू क्या हो जाएगी दैट इज़ 5/5, यानी कि अगर मैं कट करूँगा तो देयरफॉर करंट का इक्वेशन मिल जाएगा 1 एम्पियर, ठीक है। तो इस तरीके से बड़े आसानी से हमें क्वेश्चन मिल जाएगा। तो देखो कोई भी सर्किट से रिलेटेड क्वेश्चन हो और उसने अगर टोटल करंट पूछा है तो आप ये फॉर्मूला याद रख लो V इज इक्वल टू IR या E इज इक्वल टू IR, और फिर आपको ये देखना है कि उस पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, उस सारे रेजिस्टेंस को आपको यहाँ पर क्या करना है ऐड कर देना है। तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था, और देखो 3 मार्क्स के लिए पूछा था, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, ऐसे क्वेश्चन आते रहेंगे तो हमें ज़्यादा आसानी होगी मार्क्स गेन करने में, है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ये मार्च 2019 में पूछा गया था, तो चलिए देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो यहाँ पर दिया है ना रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेल, इट्स पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड बाय 150 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बोला है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, रेजिस्टेंस की वैल्यू जब 5 ओहम है, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 5 ओहम है तो उसका जो बैलेंसिंग लेंथ है, बैलेंसिंग लेंथ मान लो L जो है ठीक है, ये कितना गिवन है 150 सेंटीमीटर, तो लिख लेते हैं 150 सेंटीमीटर। और आगे क्या बोला है, मैंने रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, तो जब उसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओहम है, तो इसका यहाँ पर जो हमें बैलेंसिंग लेंथ गिवन है आगे वो कितना दिया है 175 सेंटीमीटर, तो इसका बैलेंसिंग लेंथ है 175 सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसे रेजिस्टेंस 1 मान लेता हूँ, इसे रेजिस्टेंस 2 मान लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर जो तुम्हें लेंथ दिख रही है, ठीक है, ये यहाँ पर जो लेंथ है इसको हमें 1 और 2 कंसीडर अभी नहीं करना है, ठीक है, देखेंगे आगे सिचुएशन क्वेश्चन में क्या है और फिर आगे देखते हैं इसे क्या करेंगे। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज ओपन सर्किट। तो भाई जब सेल ओपन रहा होगा, सर्किट ओपन रहा होगा, तब उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना था रहा होगा, L1 रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो एक तरीके से ये हमें क्या दिया है, ये हमें फाइनल बैलेंसिंग लेंथ दिया है, क्या दिया है फाइनल बैलेंसिंग लेंथ। यानी कि जब मैंने रेजिस्टेंस लगाया 5 ओहम का तो मुझे फाइनल बैलेंसिंग लेंथ मिला 150 सेंटीमीटर का, और जब मैंने रेजिस्टेंस लगाया 10 ओहम का तो मुझे फाइनल बैलेंसिंग लेंथ मिला 175 सेंटीमीटर का। तो मुझे ये बताना है कि जब सर्किट ओपन था तो उसका बैलेंसिंग लेंथ क्या था, मतलब मुझे L1 निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न हो सकता है, इसके लिए ध्यान से समझना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। और साथ ही साथ में इस क्वेश्चन में बोला है इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना। तो ये जो बेसिकली अगर पूरा प्रोसेस देखा जाए तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल का है, पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि इसका फॉर्मूला यूज़ करना है, स्मॉल r इज इक्वल क्या होता है आर इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन क्या होता है अपॉन L2 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2 इक्वेशन हमारे लिए बन जाएंगे, क्या बन जाएंगे 2 इक्वेशन, और दोनों इक्वेशन को हमें यहाँ पर क्या करना है कंपेयर कर देना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ध्यान से सुनो, इसको मैं क्या करता हूँ, ये जो फॉर्मूला है हमारा इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हुए पहले तो इसे हम डबल टाइम्स यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है, यानी इक्वेट करके आगे हमें इसे सॉल्व करना है, क्योंकि जब हम इक्वेट करके सॉल्व करेंगे तो हमें दोनों का एक कॉमन बैलेंसिंग लेंथ मिल जाएगा, ठीक है, इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ। तो यहाँ पर देखो क्या करना है, सबसे पहले मैं यहाँ पर रखता हूँ R1 और इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन क्या हो जाएगा अपॉन हो जाएगा L2, तो L2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा R2 और L1 माइनस L2 अपॉन L2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या रख दिया L2। अब इसके बाद नेक्स्ट सिस्टम में क्या करना है, इनकी वैल्यू को रख देना है। तो R1 की जो वैल्यू थी वो 5 था, L1 मुझे पता नहीं है, और L2 पहले कितना था, L2 की वैल्यू 150 सेंटीमीटर थी जब मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया था, तो 150 अपॉन में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा 150, और R2 की जो वैल्यू है वो क्या है 10 है, इसका बैलेंसिंग लेंथ वही इनिशियल L1 होगा, और फाइनल बैलेंसिंग लेंथ मुझे मिला 10 ओहम के रेजिस्टेंस पर, वो कितना है 175, तो यहाँ पर 175 लिख लेंगे डिवाइडेड बाय 175। अब नेक्स्ट स्टेप में देखो हम क्या करेंगे, 5 से अगर इसे मैं कट करूँ तो ये 2 हो जाएगा, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा L1 माइनस 150 अपॉन क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L1 माइनस, अच्छा 175 टूज़ा कितना होगा, तो 175 टूज़ा हो जाएगा 350 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 350, और अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 175। तो अब हमें क्या करना है, सबसे पहले मैं 5 से 25 से कट कर देता हूँ, तो 25 6 जा और 25 7 जा, और फिर हम इसे क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 7 इन द ब्रैकेट L1 माइनस क्या हो जाएगा 150 इज इक्वल टू 6, और ये क्या हो जाएगा 2L1 माइनस 350, ठीक है। नेक्स्ट सिस्टम में इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो देयरफॉर क्या हो जाएगा 7L1 माइनस 7 0 0 0 7 5 35 बैलेंस 3 7 1 7 3 कितना हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 6 2 12L1। तो अब हम 6 से इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 0 0 0 6 5 30 का 0 बैलेंस 3 6 3 18 3 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सिस्टम में क्या करेंगे L1 को एक तरफ, तो ये 7L1 माइनस 12L1 इज इक्वल टू नंबर को एक तरफ तो माइनस 2100 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1050, ठीक है। तो देयरफॉर 7L1 माइनस 12L1 करूँगा तो क्या मिलेगा माइनस 5L1, और 2100 में 1050 जाएगा तो इतना ही बचेगा 1050 बचेगा, खाली माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा तो 5L1 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 1050। तो देयरफॉर मुझे बताओ L1 की जो वैल्यू है वो क्या आप लिखोगे 1050 अपॉन 5 लिखोगे। अब 5 से आप इसे क्या करो, डिवाइड कर लो, तो L1 की जो वैल्यू मिलेगी दैट इज़ 210। क्या मिलेगा, 210। तो ये जो 210 सेंटीमीटर हमें मिला, ये क्या है, इनिशियल बैलेंसिंग लेंथ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देना है। अच्छा, अब इसमें एक और चीज़ पूछा था, वो था इंटरनल रेजिस्टेंस। तो एक बार मैं वापस से क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो क्या दिया था क्वेश्चन में, दिया था कि जब हमने 5 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया तो हमें बैलेंसिंग लेंथ 150 सेंटीमीटर मिला, और जब हमने 10 ओम का रेजिस्टेंस यूज़ किया तो हमें बैलेंसिंग लेंथ 175 सेंटीमीटर का मिला। तो हमें जो बैलेंसिंग लेंथ निकालना था वो कब का निकालना था, जब सर्किट ओपन हो, जब सर्किट ओपन हो। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में बोल देता कि जब सर्किट क्लोज्ड है तो बात अलग हो जाती। ठीक है, तो ओपन सर्किट का बैलेंसिंग लेंथ L1 मान लिया जाएगा। तो हमें इंटरनल रेजिस्टेंस के दो इक्वेशन बनाने हैं, दोनों को साइमल्टेनियसली कंपेयर करके सॉल्व करना है, और फाइनली हमें यहाँ पर बैलेंसिंग लेंथ मिल गया 210 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमें इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस आप अब किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हो। फॉर्मूला हो जाएगा R इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन क्या हो जाएगा, L2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसे R1 वाला ले लेता हूँ। आप चाहिए तो R2 से भी निकालोगे, उससे भी वही आंसर आ जाएगा। R1 की वैल्यू 5 है, L1 की वैल्यू है 210, और L2 की जो वैल्यू है वो क्या है, L2 की वैल्यू है 150 अपॉन क्या हो जाएगा, 150। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे, देयरफॉर लिखोगे R इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5। 210 में से अगर 150 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा बताओ, ये आ जाएगा आपका 60 अपॉन क्या है, 150 है ना। 0 0 कैंसल, 5 3 जा, और देयरफॉर R इज इक्वल टू क्या मिला यहाँ पर, 6/3 मिला। अगर मैं इसे कट कर दूँ तो आंसर मुझे मिल जाएगा विच इज इक्वल टू 2 ओहम मिलेगा। दिस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2018 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। इन अ पोटेंशियोमीटर द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर इज फाउंड टू बी 2.5 मीटर। तो बैलेंसिंग लेंथ हमें दिया है, मान लेते हैं L की वैल्यू गिवन है 2.5 मीटर दिया है। ठीक है, फॉर अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, यानी कि ये बैलेंसिंग लेंथ तब मिला जब हमने EMF कितना वोल्ट का यूज़ किया है, विच इज़ इक्वल टू 1.5 वोल्ट। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1.5 वोल्ट। तो 1.5 वोल्ट का EMF यूज़ करने पर हमें बैलेंसिंग लेंथ 2.5 मीटर मिला। आगे क्या बोला है, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर फॉर अनदर सेल। तो मान लेते हैं कि इनिशियल केस L1 EMF E1 है, और अब हमें बैलेंसिंग लेंथ L2 ढूंढना है, जिसका जो EMF है वो हमें यहाँ पर गिवन है विच इज़ इक्वल टू 1.2 वोल्ट। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। उसने बोला है कि जब हमने बैटरी 1.5 वोल्ट की यूज़ की तो हमें बैलेंसिंग लेंथ 2.5 मीटर मिला। तो अब बताओ कि जब हम 1.2 वोल्ट की बैटरी यूज़ करेंगे तो इसका बैलेंसिंग लेंथ क्या मिलेगा। तो देखो बेसिकली हमने ये टॉपिक पढ़ा है दैट इज़ रिलेटेड टू कंपेयर द EMF ऑफ द सेल, और इसका फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है दैट इज़ E1/E2 इज इक्वल टू L1/L2 होता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर मुझे निकालना क्या है, L2। तो सबसे पहले मैं इसे इस तरीके से लिख लेता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा L1 इंटू E2/E1। क्या हो जाएगा, L2 इज इक्वल टू L1 इंटू E2/E1। अब हम यहाँ पर इसकी वैल्यू रख देते हैं। आप चाहिए तो इसमें पहले से वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। L1 की वैल्यू 2.5 है, E1 की जो वैल्यू है वो 1.5 है, और जो E2 की जो वैल्यू है यहाँ पर वो कितनी है, 1.2 है। तो पहले 1.2 रख देते हैं, और जो इसकी वैल्यू है E1 की वैल्यू वो 1.5 है। अब आप देखो यहाँ से पॉइंट हट जाएगा, तो L2 की वैल्यू को मैं 25 इंटू 1.2 लिख सकता हूँ, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो नीचे ऊपर से मैंने एक एक पॉइंट शिफ्ट कर लिया, 5 से कट करूँगा तो 3, और ये हो जाएगा 5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देयरफॉर L2 इज इक्वल टू 5 इंटू 1.2 डिवाइडेड बाई क्या है, 3। तो अब 3 4 कितना होता है, 12, तो ये 0.4 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो मुझे L2 की वैल्यू मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 5 इंटू 0.4, यानी कि 5 4 20 होता है। और अगर मैं डिजिट को यहाँ पर शिफ्ट कर दूँ तो ये बेसिकली मुझे मिल जाएगा 2 मीटर। तो इस तरीके से हमें इसका बैलेंसिंग लेंथ निकालना था। तो ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं क्या गिवन है। व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 12 Ω इज कनेक्टेड अक्रॉस अ सेल इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज बैलेंस्ड बाय 120 सेंटीमीटर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस दिया है कि जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 12 Ω है, राइट। जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 Ω है तो उसका जो बैलेंसिंग लेंथ है वो हमें यहाँ पर गिवन है, जिसकी वैल्यू कितनी दी है, बैलेंसिंग लेंथ यहाँ पर हमें गिवन है 120 सेंटीमीटर। तो 120 सेंटीमीटर ओके। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ 18 Ω, रेजिस्टेंस ऑफ 18 Ω मतलब कि पहले जो रेजिस्टेंस दिया था वो कितना दिया था हमें 12 Ω का, और अब जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है वो कितना दिया है 18 Ω का। तो यहाँ पर क्या बोला है, व्हेन अ रेजिस्टेंस ऑफ 18 Ω इज कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सेल द बैलेंसिंग लेंथ इज 150 सेंटीमीटर। तो अब जो इसका बैलेंसिंग लेंथ है वो कितना है 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। हमें फाइंड क्या करने को बोला है, फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट। तो हमें बैलेंसिंग लेंथ निकालना है जब सेल कहाँ पर हो, ओपन सर्किट में हो। तो बेसिकली ये जो मैंने एक क्वेश्चन के पहले जो क्वेश्चन करा था सिमिलर क्वेश्चन है, सिर्फ वैल्यूज यहाँ पर चेंज की गई है। तो ओपन सर्किट के केस में जो हमारा बैलेंसिंग लेंथ है उसे हम यहाँ पर L1 से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, L1 से, ठीक है। तो ये दोनों है क्या है, फाइनल बैलेंसिंग लेंथ है। यानी जब रेजिस्टेंस R1 की वैल्यू 12 Ω है तो उसका बैलेंसिंग लेंथ 120 सेंटीमीटर है, और जब रेजिस्टेंस R2 की वैल्यू 18 Ω है तो उसका फाइनल बैलेंसिंग लेंथ 150 सेंटीमीटर है। तो हमें दोनों का इनिशियल लेंथ L1 निकालना है। और क्या बोला है, ऑल्सो कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। तो हमें साथ ही साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट करना है। तो अब इसमें ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा, सीधा वैल्यू रख के सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ये मैंने क्वेश्चन अभी कराया था आपको। तो अब देखो, इसके लिए सबसे पहले आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला देखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है आर इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन क्या होता है L2, ठीक है। तो बस इस फॉर्मूले का हमें यूज़ करना है। तो हम दो इक्वेशन बनाएंगे, एक R1 के लिए और एक R2 के लिए, और साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर सबसे पहले यहाँ पर हो जाएगा R1 इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन क्या हो जाएगा L2 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो जाएगा R2 इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन क्या हो जाएगा L2, ठीक है। अब इनकी वैल्यू रख देते हैं। देयरफॉर R1 की जो वैल्यू मिली थी वो कितनी थी 12, L1 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, और L2 की वैल्यू इनिशियल कितनी थी 120 सेंटीमीटर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा 120 सेंटीमीटर इज इक्वल टू R2 की वैल्यू है 18 Ω, L1 को एज इट इज़ रखेंगे, और जो L2 है हमारा दैट इज़ 150 सेंटीमीटर। तो 150 सेंटीमीटर और अपॉन में भी क्या आ जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। अब सबसे पहला स्टेप में क्या करना है आपको कि इसे कट कर लेना है। तो ये 6 से कट करूँगा तो 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। और अब हमें यहाँ पर क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करने से पहले हम 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 2L1 हो जाएगा माइनस 240 हो जाएगा इज इक्वल टू 3L1 और माइनस 450, ठीक है। अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा 120, और यहाँ पर भी अपॉन में क्या आ जाएगा 150 आ जाएगा। तो देखो 10 से 10 ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। और हम इसे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 12 को 3 और इसे हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जैसे 12 को मैं 3 से कट कर दूँ तो 4 टाइम्स आएगा 12 को। तो देयरफॉर अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इन द ब्रैकेट 2L1 माइनस ऑफ 240 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इन द ब्रैकेट 3L1 माइनस ऑफ 450, ठीक है। तो अब अगर इसे मैं अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो इसे अगर मैं अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 10L1 माइनस ऑफ, और 240 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 1200 इज इक्वल टू 4 3s 12L1, राइट, और माइनस। इसके बाद 4 0s 0, 4 5s 20, तो 0 बैलेंस 2, 4 4s 16, 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, L1 वाले टर्म को एक तरफ, तो ये 10L1, तो 10L1 माइनस ऑफ 12L1 विल बी इक्वल टू ये हो जाएगा 1800 माइनस का 1800, और ये इधर जाएगा तो प्लस क्या हो जाएगा 1200, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 2L1 विल बी इक्वल टू माइनस 600, माइनस माइनस कैंसल, सो देयरफॉर L1 की जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी 600 डिवाइडेड बाई 2। तो 600 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ तो फाइनल लेंथ जो मुझे मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा 300, ठीक है, और इसका यूनिट हम लिख लेंगे सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमें इनिशियल बैलेंस लेंथ मिल गया व्हेन द सर्किट इज़ ओपन, ठीक है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालना था, तो अब आसानी से निकाल लेंगे। इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर की वैल्यू क्या है, कैपिटल आर इन द ब्रैकेट L1 माइनस L2 अपॉन क्या है, L2 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि आप दोनों में से किसी इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो। आइदर यहाँ पर R1 की वैल्यू पुटअप करके सॉल्व कर लो या R2 की वैल्यू। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 12 है, L1 की वैल्यू मुझे 300 मिली, और वहीं जो L2 की वैल्यू है, सॉरी वो इसके केस में क्या थी, 120, ठीक है, अपॉन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा 120। तो अब यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, देयरफॉर R इज़ इक्वल टू 300 में से 120 को माइनस कर दो तो ये 180 आ जाएगा। तो 12 इंटू 180 अपॉन क्या है 120। तो यहाँ से देखो 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, सो देयरफॉर स्मॉल r की जो वैल्यू मुझे मिली दैट इज़ 18 ओहम। कितना मिला, 18 ओहम इज़ द इंटरनल रेजिस्टेंस। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन मार्च 2017 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। एन अननोन रेजिस्टेंस इज प्लेस्ड इन द लेफ्ट गैप एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओहम इज प्लेस्ड इन द राइट गैप। तो मान लेते हैं कि लेफ्ट गैप पे जो अननोन रेजिस्टेंस है वो कितना है, एक्स है, और राइट गैप पे जो रेजिस्टेंस यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया है, 50 ओहम दिया है, ठीक है, ओके। यानी मीटर ब्रिज एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि जो लेफ्ट गैप का रेजिस्टेंस है वो अननोन है, तो उसे मैंने x मान लिया, और राइट गैप में जो रेजिस्टेंस हमें गिवन है उसकी वैल्यू 50 ओहम दिया है। और आगे क्या बोला था, नल पॉइंट इज ऑब्टेन्ड एट 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट। तो 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेफ्ट मतलब ये हमें L1 की वैल्यू दिया है ना। तो L1 की वैल्यू कितना दिया, 40 सेंटीमीटर। तो अगर L1 की वैल्यू 40 सेंटीमीटर है तो ऑटोमेटिकली L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइनस 40 विल बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो अब हमें देखो अननोन रेजिस्टेंस x की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला एकदम सिंपल है, दैट इज x बाई आर इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो देयरफॉर मुझे निकालना x है, तो x को इधर रखता हूँ, r को उधर भेज देता हूँ, तो ये हो जाएगा r L1 बाई L2। अब मैं इनकी वैल्यू को पुटअप कर देता हूँ। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू आर की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो 50 दिया है, वहीं L1 की जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, 40, और L2 की वैल्यू कितना है, 60। तो ये 0 से 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ 5 4 क्या हो जाएगा, 20, मतलब 200 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6। इसे अगर मैं चाहिए तो लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 100 बाई 3 लिख सकता हूँ, और आपको पता है देयरफॉर 100 बाई 3 का मतलब क्या हो जाएगा कि 3 से डिवाइड करूँगा तो 33.33 ये रिपीट होगा। सो दिस इज़ द रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज, ठीक है। तो मीटर ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी आए तो आपको यही पैटर्न यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि एक वहाँ पर इस तरीके से होगा, ये एक्स है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन जुलाई 2016 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 2 मीटर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें पोटेंशियोमीटर वायर का लेंथ दिया है, तो मान लेते हैं कि L की वैल्यू कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओहम, और जो रेजिस्टेंस गिवन है वो हमें कितना दिया है, 10 ओहम। तो लिख लेते हैं आर इज इक्वल टू 10 ओहम, ओके। इट इज़ कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस ऑफ 990 ओहम। तो बेसिकली एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस दिया है, तो ये मान लेते हैं कि जो रेजिस्टेंस इन सीरीज है जिसकी वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, 990 ओहम दिया है, या आप इसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कह सकते हो। और आगे क्या बोला है, एन अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट। तो EMF की वैल्यू यानी कि ई दिया है विच इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल ग्रेडियंट अलॉन्ग द वायर। पोटेंशियल ग्रेडियंट को K से डिनोट करते हैं, ठीक है, और हम जानते हैं कि K का जो फॉर्मूला होता है वो V बाई L होता है, ठीक है। तो अगर मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है तो अब देखो क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बोला पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, V बाई L होता है। क्या होता है, V बाई L। तो सिंस यहाँ पर मुझे पोटेंशियल की जगह पर EMF दिया है, तो इसी फॉर्मूले को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ K इज इक्वल टू ई बाई एल। क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू ई बाई एल। अब मुझे यहाँ पर करना क्या है, ध्यान से सुनो। तो देयरफॉर सबसे पहले मैं यहाँ पर लिखूँगा E बाई एल इज इक्वल टू, याद रखना E बाई एल को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, ठीक है। तो E बाई एल इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या हम वैल्यू पुटअप करेंगे, देखो जैसे कि हम जानते हैं V इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है IR, तो उसी तरीके से E इज इक्वल टू भी क्या होता है IR होता है। तो E की जगह पर मैं क्या रख दूंगा, IR रख दूंगा और अपॉन में क्या हो जाएगा L, ठीक है। अच्छा यहाँ पर मैं कैपिटल L यूज़ कर रहा हूँ, तो आप चाहिए तो यहाँ पर भी इसे कैपिटल L लिख लेना, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर वायर को हम कैपिटल L से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में मुझे क्या करना है, अगर ध्यान से देखेंगे तो E बाई एल जो है यहाँ पर I मुझे गिवन नहीं है, I मुझे गिवन नहीं है, बट मुझे पता है कि I की वैल्यू क्या होती है, I की वैल्यू होती है E अपॉन आर प्लस आर एस, ठीक है। यानी ये बेसिकली कौन सा फॉर्मूला है, तो देखो यार ये यही फॉर्मूला है, सारे घुमा फिरा के वही फॉर्मूले लगते हैं। I इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E अपॉन R हो जाएगा। और अगर सर्किट में एक और रेजिस्टेंस जुड़ा है तो उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर जोड़ दो, जितने रेजिस्टेंस ऐड होते जाएंगे उतने रेजिस्टेंस को आप यहाँ पर ऐड कर दो। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस होता तो स्मॉल r ऐड कर देते, ठीक है। तो अब हमें I की जगह पर वैल्यू रख देना है E अपॉन आर प्लस आर एस इनटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर इनटू में हो जाएगा R डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा L, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर E बाई एल इज इक्वल टू, E की वैल्यू हमें 2 वोल्ट गिवन है, ठीक है। R की वैल्यू इनिशियल R रेजिस्टेंस कितना दिया था, दैट इज़ 10 ओम, ठीक है। वहीं पर RS की वैल्यू कितनी है 990, इनटू यहाँ पर क्या हो जाएगा R, R की वैल्यू क्या है 10 है, डिवाइडेड बाई L, L की वैल्यू क्या है 2 मीटर, L की वैल्यू क्या है 2 मीटर, ठीक है। तो देयरफॉर अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको लिखना है E बाई एल इज इक्वल टू 2 इंटू 10, ठीक है। और यहाँ पर 990 प्लस 10 कितना हो जाएगा 1000, और 2 इसके साथ आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल, 0 से 1 0 गया। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे बताओ E बाई एल की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो क्या मिलेगी 1/100, मतलब 10^2 होता है। तो देयरफॉर अगर इस 10^2 को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो इसे क्या लिख सकता हूँ 1 इंटू 10^-2, और इसका यूनिट हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। इसको अगर आप चाहिए तो ऐसा भी लिख सकते हो, देयरफॉर E बाई एल इज इक्वल टू 0.01 वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से हमें इसका आंसर देना है। तो अगर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप ये फॉर्मूला याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है K इज इक्वल टू V बाई एल, या आप इसी को कह सकते हो K इज इक्वल टू E बाई एल। तो अगर वहाँ पर करंट गिवन नहीं है, क्योंकि सबसे पहले V की जगह पर आप क्या लिखोगे IR लिखोगे, और करंट गिवन नहीं है तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रखना और ये फॉर्मूला वहाँ पर इम्प्लीमेंट कर देना, ठीक है। तो आसानी से हमें इनका आंसर मिल जाएगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन अक्टूबर 2015 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पर दिया है पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ रेजिस्टेंस ऑफ पर यूनिट लेंथ 0.1 ओहम पर मीटर। तो बेसिकली यहाँ पर हमें जो वैल्यू गिवन है उससे हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ दिया है। तो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मतलब हो जाएगा R बाई एल, और इसकी जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 0.1 ओहम पर मीटर। तो देखो अगर आपको नॉर्मली पढ़ने से कुछ चीज़ें समझ में ना आए तो अगर आप यूनिट देखोगे तो यूनिट से भी आप पहचान सकते हो कि बेसिकली इसमें क्या हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर R बाई एल मतलब क्या, ओहम पर मीटर, क्योंकि रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है और लेंथ का यूनिट मीटर होता है। तो हमें रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की वैल्यू गिवन है। और आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, यहाँ पर अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। तो अब जो EMF की वैल्यू यहाँ पर गिवन है वो कितना दिया है 1.5 वोल्ट बैलेंसेज अगेंस्ट अ लेंथ ऑफ द वायर विच इज़ 300 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ द वायर मान लेते हैं 300 सेंटीमीटर, जिसे अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा 3 मीटर। फाइंड द करंट इन द पोटेंशियोमीटर वायर, और हमें क्या निकालना है, करंट निकालना है। तो इट इज़ सिमिलर टू प्रीवियस क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करके बताया था, बस इसको थोड़ा सा हमें मॉडिफिकेशन करना है। तो ध्यान से सुनना यहाँ पर क्या करना है। तो इनिशियली मैं जानता हूँ कि E को मैं क्या लिख सकता हूँ I इंटू आर लिख सकता हूँ, सही है। E को क्या लिख सकता हूँ I इंटू आर। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, सिंस मेरे पास L है तो मैं दोनों साइड इक्वेशन को L से डिवाइड कर देता हूँ। अब देखो कितना आसान हो गया है ये। यहाँ पर R बाई एल जो आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू तो मैं ऑलरेडी जानता हूँ, ठीक है, क्योंकि R बाई एल मुझे गिवन है, मुझे निकालना करंट है। तो सबसे पहले यहाँ पर अब हम फॉर्मूले को मॉडिफाई करने से पहले हम इसकी वैल्यू को पुटअप कर देते हैं। तो EMF की वैल्यू मुझे दिया है 1.5, L की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो है 3 दिया है, I मुझे कैलकुलेट करना है और R बाई एल की जो वैल्यू है दैट इज़ 0.1, कितना दिया है 0.1। नेक्स्ट सिस्टम में आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो देयर फॉर 1.5 अपॉन 3 इंटू 0.1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूँ तो देयर फॉर लिख सकता हूँ I इज इक्वल टू 1.5 अपॉन 0.3। अगर मैं ऊपर नीचे से पॉइंट हटा दूँ तो मैं इसे सीधा लिख सकता हूँ 15/3, और 15/3 मतलब कि अगर 3 से डिवाइड किया जाए तो आंसर आ जाएगा 5 एम्पियर। तो देखा जाए तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से काफ़ी इजी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं PYQs के रेस्पेक्ट में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन फरवरी 2015 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। यहाँ पर रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर इज 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर। तो जैसे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था, कुछ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमें रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर दिया है और इसकी वैल्यू है यहाँ पर 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर। मतलब इसका यही मतलब है कि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ गिवन है, लेकिन एसआई यूनिट के हिसाब से इसे ओहम पर मीटर में होना चाहिए। तो मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ, 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर से मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ओहम पर मीटर में। तो देखो सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 10⁻⁻²। तो 10⁻⁻² जब ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा। तो ये 0.1 इंटू 10⁻² और ये हो जाएगा ओहम पर मीटर। ठीक है, तो देयरफॉर फाइनली मैं R की वैल्यू को यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, R को लिख सकता हूँ 0.1 इंटू 10⁻² का मतलब हो जाएगा 10 ओहम पर मीटर। ये हमें यहाँ पर गिवन है। और आगे क्या बोला है, अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट। तो यानी यहाँ पर जो बेसिकली सेल है उसका EMF दिया है 1.5 वोल्ट गिवन है, बैलेंस्ड एट 300 सेंटीमीटर ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। तो जो बैलेंसिंग लेंथ है मान लेते हैं L, इसकी वैल्यू अगेन दिया है 300 सेंटीमीटर, जिसे मैं लिखूँगा तो ये बेसिकली 3 मीटर हो जाएगा। और फिर अगर हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे तो यहाँ पर क्या गिवन है, कैलकुलेट द करंट एंड बैलेंसिंग लेंथ फॉर अनदर सेल। तो हमें करंट निकालना है, तो करंट मान लो I हो गया, और हमें बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अनदर सेल निकालना है। तो बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अनदर सेल मतलब मान लेता हूँ कि मुझे L2 निकालना है, और ये जो पहले जो लेंथ दिया है बैलेंसिंग लेंथ इसे हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, ओके। आगे और क्वेश्चन में यहाँ पर क्या बोला है, बैलेंसिंग लेंथ फॉर अनदर सेल ऑफ EMF 1.4 वोल्ट, यानी कि ये हमें E2 की वैल्यू दिया है। कितना वैल्यू दिया है, 1.4 वोल्ट। तो चलो अब इस क्वेश्चन को वापस एक बार हम समझ लेते हैं। स्टार्टिंग से क्या दिया है, रेजिस्टेंस ऑफ अ पोटेंशियोमीटर वायर 0.1 ओहम पर सेंटीमीटर, तो R बाई एल की वैल्यू मिल गई। अ सेल ऑफ EMF 1.5 वोल्ट, तो E मिल गया। बैलेंस्ड एट 300 सेंटीमीटर, तो मान लेते ये E1 और उसका बैलेंसिंग लेंथ है 300 सेंटीमीटर। और कैलकुलेट द करंट, तो ठीक है पहले यानी कि हमें पहले वाले की वैल्यू के रेस्पेक्ट में करंट निकालना है। ठीक है, और जब हम करंट निकाल लेंगे उसके बाद क्या बोला है, ऑल्सो फाइंड द बैलेंसिंग लेंथ फॉर अनदर सेल जिसका EMF क्या है 1.4 वोल्ट। तो ईजी क्वेश्चन है ये, बस हमें यहाँ पर 2 फॉर्मूले अप्लाई करने हैं। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में किया था उसका फॉर्मूला यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था, देयरफॉर EMF का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू R होता है। तो यहाँ पर हमें L से इस दोनों साइड इक्वेशन को डिवाइड कर देना है। E की वैल्यू ऑलरेडी मुझे गिवन थी, क्या दिया था E की वैल्यू पहले देखो 1.5 वोल्ट, और R बाई L की वैल्यू क्या है 10। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1.5 अपॉन 3 इज इक्वल टू I मुझे फाइंड करना है और R बाई L की वैल्यू क्या है 10 है। तो देयरफॉर इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 अपॉन 3 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I। नेक्स्ट सिस्टम में देखो क्या करेंगे, इसको मैं लिखता हूँ ये हो जाएगा हमारा बेसिकली, अगर मैं इसे 3 से कट कर दूँ तो ये 0.5 हो जाएगा अपॉन क्या हो जाएगा 10 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा I। ठीक है, नेक्स्ट सिस्टम आपको पता है कि 10 मतलब कि 10⁻1 ऊपर जाएगा तो -1, तो फाइनली I की जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी 0.05 एम्पियर। ये हमें करंट मिल गया। ठीक है, व्हेन द बैलेंसिंग लेंथ ऑफ द वायर इज 300 सेंटीमीटर एंड द EMF ऑफ 1.5 वोल्ट देन द करंट पासिंग थ्रू इज 0.05 एम्पियर। अब इसी क्वेश्चन में हमें और क्या कैलकुलेट करना था, बैलेंसिंग लेंथ निकालना है और 2 EMF गिवन है। तो देयरफॉर यहाँ पर हमें जो इक्वेशन अप्लाई करना है दैट इज़ रिलेटेड टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल और फॉर्मूला होता है E1 बाई E2 इज इक्वल टू L1 बाई L2। तो मैं फिर L2 की वैल्यू को ऐसे लिख लेता हूँ, दैट इज़ L1 इंटू क्या हो जाएगा E2 बाई E1 हो जाएगा। ठीक है, तो देयरफॉर L2 इज इक्वल टू L1 की जो वैल्यू मुझे गिवन है वो 3 दिया है, क्या दिया है 3। ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर आप मीटर में रख के सॉल्व करोगे तो आपका बैलेंसिंग लेंथ मीटर में आंसर आएगा, अगर आप सेंटीमीटर में रख के सॉल्व करोगे तो आपका बैलेंसिंग लेंथ सेंटीमीटर में आएगा। तो फिलहाल मैं इसे मीटर में रख के सॉल्व कर रहा हूँ। E2 की जो वैल्यू मुझे गिवन थी दैट वाज 1.4, तो 1.4 लिख लेते हैं। और वहीं अगर देखा जाए तो जो E1 की वैल्यू मुझे गिवन थी दैट इज़ 1.5, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.5। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर नीचे की अगर मैं पॉइंट वैल्यू हटा दूँ तो ये हो जाएगा 14/15 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 14/15। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करेंगे, 3 से अगर मैं कट करूँगा तो ये 5 हो जाएगा। तो देयरफॉर L2 की जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी 14/5, और 14/5 को हमें यहाँ पर डिवाइड करना है। तो अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 14 से 5 को, तो ये क्या हो जाएगा 2.408 आ जाएगा, और इसका यूनिट क्या लिख लेंगे मीटर। और अगर मुझे सेंटीमीटर में लिखना है तो ये हो जाएगा 280 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो वापस से समझ लो, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें गिवन थी। तो सबसे पहले हमें R बाई L की वैल्यू दिया था और हमें कैलकुलेट करना था करंट पासिंग व्हेन द ईएमएफ अप्लाइड इज़ 1.5 वोल्ट एंड द बैलेंसिंग लेंथ इज़ 3 मीटर। फिर हमने करंट तो निकाल लिया, बाद में हमें ईएमएफ दिया 1.4 वोल्ट का और हमें बोला कि बताओ उसका बैलेंसिंग लेंथ कितना होगा, जिसका आंसर हमें मिल गया 280 सेंटीमीटर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2014 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या गिवन है। अ पोटेंशियोमीटर वायर हैज़ अ लेंथ ऑफ 4 मीटर, तो हमें यहाँ पर लेंथ दिया पोटेंशियोमीटर वायर का, तो लिख लेते हैं 4 मीटर। एंड अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओहम, तो रेजिस्टेंस आर की जो वैल्यू गिवन है दैट इज़ 5 ओहम। वॉट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, और हमें क्या बोला है कि वॉट रेजिस्टेंस शुड बी कनेक्टेड इन सीरीज, मतलब मुझे RS निकालना है। ठीक है, एंड अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट, तो सेल ऑफ EMF मतलब के E की वैल्यू दिया है विच इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट गिवन है। एंड द इंटरनल रेजिस्टेंस भी मुझे दिया, और इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 ओहम है। टू गेट अ पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ, पोटेंशियल ग्रेडियंट मतलब आप V बाई L भी कह सकते हो या इसी को आप E बाई L कह सकते हो, और इसकी जो वैल्यू मुझे गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 10⁻³ और याद रखना ये वोल्ट पर सेंटीमीटर में है। तो जब मैं इसे वोल्ट पर मीटर में कन्वर्ट करूँगा तो 10⁻³ और सेंटीमीटर से मीटर 10⁻² होता है, लेकिन उसका पावर जब ऊपर आएगा तो +2 हो जाएगा, यानी इसका आंसर मुझे मिलेगा 10⁻⁻1 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, तो ये सारी हमें कंडीशन गिवन है। तो देखो इसको सॉल्व करना बहुत आसान है, जो हमने फॉर्मूला ऑलरेडी अभी 2-3 सब्स में लगाया है वही लगाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर ईएमएफ का फॉर्मूला लगाना है, ई इज इक्वल टू आई इंटू आर करना है, और यहाँ पर एल से आपको क्या करना है इस पूरे इक्वेशन को डिवाइड करना है। ठीक है, डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, देयरफॉर ई बाई एल इज इक्वल टू, आई की वैल्यू मुझे नहीं दिया है तो आई की वैल्यू याद रखना, आई को क्या लिख सकते हैं ई अपॉन आर प्लस आर एस प्लस स्मॉल आर। मैंने आपको बोला था ना कि जितने रेजिस्टेंस होंगे सारे रेजिस्टेंस को एक जगह पर ऐड कर देना है, इनटू क्या हो जाएगा कैपिटल आर डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा एल। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान से सुनो, ई बाई एल की वैल्यू मुझे गिवन है विच इज़ इक्वल टू 10⁻⁻1 मीटर इज इक्वल टू ई एम एफ जो मुझे गिवन है क्वेश्चन में वो कितना दिया है, ई एम एफ की वैल्यू गिवन है दैट इज़ इक्वल टू 2 वोल्ट, तो मैं यहाँ पर 2 रख देता हूँ। वहीं सारे रेजिस्टेंस को अब हमें ऐड करना है। तो पहले हमें रेजिस्टेंस कितना दिया था 5 ओहम दिया था, क्या दिया था 5 ओहम, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 1 ओहम, तो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 5 ओहम और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना मुझे गिवन है दैट इज़ 1 ओहम, तो 5 प्लस RS प्लस कितना हो जाएगा 1 और इंटू आर, तो आर की वैल्यू अगेन क्या हो जाएगी 5 ओहम डिवाइडेड बाई एल, और जो मुझे लेंथ ऑफ द वायर गिवन है वो कितना दिया है 4 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देयरफॉर ये हो जाएगा 10⁻⁻1 इज इक्वल टू ये 2 × 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 × 5 अपॉन में क्या होगा, ध्यान से सुनना अब, तो 5 + 1 6 यानी कि RS प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और ब्रैकेट के बाहर यहाँ पर हम इसे 4 रख देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में हमें पता है क्या करना है। देखो देयरफॉर सिंपल सा लॉजिक है, ये 10⁻⁻1 है, 2 × 5 का कितना होता है 10, आपको चाहिए तो इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कट कर दो तो ये 5 अपॉन, और 2 से अगर मैं ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करूँ तो ये हो जाएगा 2 RS प्लस क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, 2 RS प्लस 12। अब अगेन मैं अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगा, देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ दैट इज़ 2RS प्लस 12 इंटू 10⁵ और 10⁻⁻⁴ को ना नीचे लेके आ जाता हूँ, ठीक है, 10⁻⁻⁴। तो देयरफॉर फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 2RS प्लस 12 इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴, ऊपर आएगा तो +1 और +1 और 5 करूँगा मतलब कि ये 50 हो जाएगा, है ना। 10⁻⁻ ऊपर आएगा तो +1 और 10⁻⁻ का मतलब 10, 10⁻⁵ 50। नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या करना है, देयरफॉर यू विल राइट 2RS इज इक्वल टू, तो देयरफॉर अगर मैं 50 - 12 करूँगा तो RS की जो वैल्यू मुझे मिलेगी दैट विल बी इक्वल टू 38 डिवाइडेड बाई 2 और 38 डिवाइडेड बाई 2 का जो यहाँ पर मतलब होता है दैट इज़ 19 ओहम। तो जो रेजिस्टेंस हमने सीरीज़ में लगाया था उस रेजिस्टेंस की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 19 ओहम। तो देखो ये जो कुछ क्वेश्चन थे इसे मैंने आपको एकदम बेसिक फॉर्मूले से सॉल्व करा दिया है, तो बस आप ये टेक्निक याद रखना, तो बहुत आसानी से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी PYQs हमारे आए थे तो वो सारे मैंने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। अगर आप इतने भी PYQs कर लेते हो तो आपका काम आसान हो जाएगा और आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको स्पेशली 2 पॉइंट पे ज़्यादा फोकस करना है, दैट इज़ मीटर ब्रिज वाले क्वेश्चंस पे, और सेकंड नंबर का जो है दैट इज़ रिलेटेड टू पोटेंशियोमीटर। याद रखना है कि पोटेंशियोमीटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का।